मात्र 49 गेंदों में 100 रन बनाकर विराट कोहली की नजरों में आए। फास्ट बॉलर बनना चाहते थे लेकिन बन गए ओपनिंग बल्लेबाज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरसीबी के ओपनर बल्लेबाज रजत पाटीदार की। 1 जून 1993 को इंदौर में जन्मे रजत पाटीदार को फास्ट बॉलर बनने का जुनून था। इंदौर की गलियों में खेलते खेलते अकेडमी ज्वाइन की। क्रिकेट के शुरुआती दिनों में तो रजत फास्ट बॉलर ही बनना चाहते थे लेकिन उनके कोच ने उन्हें सजेशन दिया कि आप फास्ट बॉलर की जगह आप बैटिंग में ट्राई करो। फैमिली से कोई ज्यादा अच्छी सपोर्ट नहीं थी क्योंकि कोई भी फैमिली से स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में नहीं था। दोस्तों क्या आपको ये बात पता है कि रजत पाटीदार एक ही साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट खेलने वाले पहले बल्लेबाज। दोस्तों 2012 में रजत पाटीदार को अंडर 19 में मध्य प्रदेश की टीम से जगह मिली और इसके बाद 2015 में उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली और फिर इसी साल इंडिया के ए लिस्ट के मैच खेले। उसके बाद इसी साल विजय हजारे ट्रॉफी में T20 टीम में जगह बनाई। हालांकि दोस्तों रजत पाटीदार अपनी क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं लेकिन वो आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। उन्होंने आरसीबी के प्रैक्टिस मैच में 49 बॉल में 100 रन बनाकर विराट कोहली को इम्प्रेस किया। ऐसा इम्प्रेस किया कि उन्होंने रजत को प्रमोट करके ओपनर के तौर पर खेलने के लिए भेजा और दोस्तों आज रजत आरसीबी का जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखो और दोस्तों आप कौन से प्लेयर के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिल जाए।